इस समय मेरे साथ हैं नायरा और बैक टू बैक उन्होंने ना सिर्फ दो रियलिटी शो किए हैं बल्कि तीसरा होस्ट भी कर रही हैं, मतलब रियलिटी क्वीन कह सकती हूँ मैं इनको। वेलकम टू फिल्म विंडो नायरा, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल बढ़िया। सो गॉर्जियस, रियली थैंक यू सो मच, थैंक यू, मींस अ लॉट। आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताइए। मतलब दो दो रियलिटी शो क्या खाती है जो इतना करेज मिलता है कि तीसरे के लिए भी भले ही होस्ट लेकिन टॉक्सिक तो हो जाता है रियलिटी यार। ऑनेस्टली बोलो तो मैं प्रिपेयर कभी थी नहीं रियलिटी शोज के लिए, मतलब रोडीज के लिए आई वाज नॉट रेडी, बट मेरी डेस्टिनी में लिखा था रोडीज हैपेंड। स्प्लिट्सविला के लिए ऑफ कोर्स आई वाज नॉट रेडी, मुझे चार दिन पहले कॉल आया और सडनली मुझे निकलना पड़ा। और डार्क स्क्रोल के लिए भी मुझे दो दिन पहले कॉल आया और दो दिन में मुझे निकलना पड़ा। सो आई थिंक मेरी डेस्टिनी में रियलिटी शोज थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे बैक टू बैक रियलिटी शोज होंगे और डिजिटली होस्ट करने का मौका मिलेगा, ये तो कभी नहीं सोचा था। मतलब नायरा अपने बैग पैक करती है कि अभी फोन आएगा और दो दिन बाद भागना पड़ेगा। अभी भी बैग पैक पड़े हुए, आई एम स्टिल होपिंग कि कुछ और आ जाएगा एंड मुझे जाना पड़ेगा। 15 दिन के बाद बिग बॉस 18 है। पता नहीं, बिग बॉस का पता नहीं, मराठी की बातें तो चल रही थी बट मेरे जाने से पहले ही कुछ लोग एक्सपोज हो गए शो के अंदर, तो आई थिंक मेरी अब नीड शायद नहीं है, बट आई डोंट नो, यू नेवर नो। मतलब एक शख्स है जिस जो आपका पीछा कितने महीनों से वो छूट ही नहीं रहा है, नायरा अरबाज। नायरा अरबाज पहले लीजा की रील्स, फिर निक्की की रील्स, अब रितेश की रील्स आती होगी कि देखो डांट पड़ेगी। पहले जब स्प्लिट्सविला हुआ तो स्प्लिट्सविला के टाइम पे मुझे लीजा के रील्स पे टैग कर रहे थे लोग, उसकी रील्स मुझे पर्सनली भेजते थे। वो खत्म हुआ, ये बिग बॉस पहुंचा, निक्की तंबोली की रील्स, और लोग मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, मैम शी इज इनोसेंट, प्लीज सेव हर, प्लीज गो टू बिग बॉस मराठी। मेरे कमेंट्स में लोग सब लिखे जा रहे हैं गो टू बिग बॉस मराठी, एक्सपोज अरबाज। बट मेरा ये था कि यार मैं अपनी आइडेंटिटी किसी बंदे के रिवॉल्व अराउंड नहीं बनाना चाहती हूँ। ये इस स्प्लिट्सविला में हो चुका है जहाँ पे मुझे पता नहीं था और मेरी आइडेंटिटी ऐसी हो गया। मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी दोबारा ऐसी बने, एंड अगर मैं जाती भी बिग बॉस मराठी, ऐसा कुछ होता भी, तो मेरा सिर्फ यही एजेंडा होता कि ऐसे जितने भी लोग जो लड़कियों को यूज करते हैं फुटेज के लिए, कॉन्ट्रोवर्सी के लिए, फेक लव एंगल बनाते हैं, वो सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, एक शो का नाम भी खराब करते हैं। तो आगे जो जेन्युइन कपल भी होंगे उन लोगों पे बिलीव नहीं करता इस वजह से। तो अगर कभी मुझे जाना भी हुआ तो माय एजेंडा विल बी दिस, बट आई नेवर वांट टू बी नायरा अरबाज और नायरा का नाम किसी के साथ भी जुड़े। हाँ no. बिल्कुल। चलिए, एक अरबाज और नायरा का कनेक्शन हमें फिर भी शो में लगा कि बढ़ेगा, पर एक शिवित और नायरा वाला भी एक एंगल था, और ऑनेस्टली उस समय तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में मैंने कुछ इंटरव्यूज देखे जिससे ये समझ में आया कि ये तो थोपा हुआ हेक्स था। मतलब ऐसे कैसे, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज में उसने भी बोला है कि हमारा कनेक्शन का उस लेवल था ही नहीं, फिर तुम जैसी लड़की और ये सारे शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ आपके लिए, आपको नहीं लगता जस्टिस मिलना चाहिए? यार टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊं कि मैं शिवेत वाला मैटर ड्रैग नहीं करना चाहती, बिकॉज एक तो वो इतना ज्यादा खिंच चुका है ना कि हम दोनों लड़ना चाहते नहीं तो भी हमें लड़वा दिया जाता है, कभी फैंस, कभी शो का कॉन्सेप्ट, कभी सिचुएशंस। तो अभी तो हमने सब सॉर्ट आउट कर लिया था, रियली डोंट वांट टू ड्रैग दैट, क्योंकि उसने शो के एंड में ही सेड सॉरी टू मी, वो दिखाया नहीं गया क्लिप में, एंड ही ऑल्सो एडमिटेड दैट इट वॉज अ स्टार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप फॉर हिम। वही मेरी बैटल थी कि जो था वो एक्सेप्ट करना, कि इट वॉज नेवर फ्रेंडशिप, इट वॉज नेवर फ्रेंडशिप एट ऑल, और वो उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब इंसान वो एक्सेप्ट कर ले रहा है और हम अब उतने कॉर्डियल हो चुके हैं, तो आई डोंट वॉन्ट कि कुछ भी कॉन्ट्रोवर्सी हो या उसमें कुछ जस्टिस जैसा बचा ही नहीं। आई थिंक आई गॉट माई जस्टिस वेन ही एक्सेप्टेड दैट। हाँ, अगर ये मेकर्स दिखा देते क्लिप तो ज्यादा अच्छा होता, बिकॉज आप जब खुद से बोलते हो और जब वो क्लिप दिखती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। लाइक लोग आज भी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका इतना लड़ाई झगड़ा हुआ, आपने कैसे भुला दिया, सब कैसे हो गया, बट माय ओनली पॉइंट इज कि मेरी तो लड़ाई सिर्फ इतनी थी कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले क्या सच्चाई थी, और उसने जब एक्सेप्ट कर ली दैट टू इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, तो देयर इज नो पॉइंट उससे मैं झगड़ू और वो सब करूं। आई थिंक आई गॉट माय जस्टिस, एंड मेरा मेजर चीज यही था ना, ये प्रूव करना दैट अगर मेरे जैसी और भी लड़कियां इस प्लेटफॉर्म पे जाती हैं, दे फील समथिंग फॉर समवन एंड सामने वाला डिनाय करे, तो दे शुड टेक अ स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, एंड आई थिंक आई हैव एस्टैब्लिश्ड दैट। जो भी मेरा एपिसोड देखेगा उसको एटलीस्ट इतना तो समझ आएगा कि अपने लिए स्टैंड लेना है, एंड आई थिंक आई हैव वन माय बैटल। मुझे अच्छे से याद है जब वो जलाने भी गई थी और आपने शिवित का चेहरा देखा था, तो वो मेरा एक्स आ गया, वो वाला तो बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं था। कभी हम लोग कभी एक्सेस नहीं थे, और ऑनेस्टली जब वो एक्स वाला बोला ना तो मेरे को डर लगा था अंदर, क्योंकि मुझे लगा मेरा जेन्युइन वाला कोई एक्स आएगा, बट जब मैंने वो फोटो देखी मैंने कहा क्या ये तो कुछ है ही नहीं, कुछ इधर है ही नहीं। जब मुझसे पूछा भी गया कि नायरा जैसे रिएक्शन जलाने के बाद, तो मैंने यही बोला कि इज नॉट माय एक्स, बट
वो लाइन काट दी गई बिकॉज ऑफ कोर्स कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट थी वो, बट वो थोपा वाई एक्स था उसके लिए भी, मेरे लिए भी, मतलब आज भी वो एपिसोड आप देखोगे शिवित के नीचे लिखा है नायराज एक्स, नायरा के नीचे लिखा शिवित एक्स, मतलब ये आइडेंटिटी बना दी गई हमसे, कंसेंट तो ले लो ये नीचे लिखने का यार, मतलब दिस वॉज आई थिंक नहीं थोपा वाई एक्स था हम दोनों के लिए। पर जैसा की कहा कि अच्छा है कि वो सही वाला मतलब सीरियस वाला एक्स नहीं आया, तो ये तो मतलब ये आया तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ हो गया। आई स्वेयर क्योंकि पता है मेरा कैसा है, आई फील कि लोगों को लगता है मैं बहुत लड़ती हूँ, मैं झगड़ती हूँ, मेरा ऐसा है कि इफ आई लव समवन फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट ना, मैं उससे इस तरीके से लड़ नहीं सकती, आई कांट गो डर्टी, आई कांट बी यू नो अब्यूजिंग ऑल दैट, जैसे मैं बाकी लोगों से लड़ चुकी हूँ, तो अगर मेरा कोई एक्स आता तो मैं लड़ ही नहीं पाती, शायद मेरा हालत वो जाता कि मैं बोलती कि आई वॉन्ट टू क्विट द शो, बिकॉज यू नो जहाँ आपका लव वाला जोन होता है ना आप इतने वीक पड़ जाते हो, मेरे लिए ऐसा है कि लव मेक्स मी वेरी वल्नरेबल एंड वीक, एंड ऐसा कभी रियलिटी शो में आता है तो आई विल ऑलवेज बिकम वीक एंड वल्नरेबल एंड आई विल नॉट बी एबल टू फाइट, तो इसीलिए मेरे लिए तो ब्लेसिंग थी कि भाई एक्चुअल एक्स नहीं आए। मतलब नायरा आपने रोडीज किया, हाँ। उसके बाद गई, बल्कि कुछ लोग तो प्लानिंग के साथ आए थे कि हमें ये कनेक्शन बनाना है, इतना स्मार्ट गेम लोगों ने खेला, जिसमें मुझे एक पता चला शिवित और अनिका भी थे, हाँ। शायद आकृति ने दिग्विजय के साथ प्लान किया था, आई एम नॉट श्योर, यू आर राइट, तो मतलब ये तो प्लानिंग के साथ ही गया था सब कुछ, तो आपने क्यों किसी के साथ प्लानिंग नहीं, क्योंकि मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था मैं स्प्लिट्सविला जा रही हूँ, मैंने ऑडिशन दिया था आई थिंक दिसंबर में, और उसके बाद सबको पर्सनल कॉल्स आ गए थे, सबको मीटिंग के लिए बुलाया गया था, मुझे कोई कॉल नहीं आया था, तो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि स्प्लिट्सविला हो रहा है, मैं अपने मेरा सैलॉन स्टार्ट होने वाला था, आई वॉज फोकसिंग ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, तो मेरे दिमाग में कहीं से लेकर कहीं तक था नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मुझे पता भी होता तो भी मुझे नहीं लगता मैं इतना प्लान कर पाती, I've always been an unfiltered person, तो मेरे से होता नहीं, और फिर हुआ ये कि शो के ट्रैवल करने से आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मुझे कॉल आया कि जूम कॉल है, और उसके बाद उन्होंने बोला नहीं इन पर्सन मीटिंग करते हैं, तो मैं बॉम्बे आई, मैंने ऑडिशन दिया, और आई थिंक सेकेंड डे सुबह मुझे कॉल आया और बोला कि एक दूसरे डेटिंग शो के लिए हुआ है, आई टोल्ड देम दैट आई डोंट वांट टू डू इट, आई वांट टू डू स्प्लिट्स ओनली, बट उन्होंने कहा ये दूसरा डेटिंग शो है, तो अब वो ऐसा डेटिंग शो जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, जिसके आपको कुछ थ्योरी पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, हाँ ये था कि हमने बहुत लिंक्स बनाने की कोशिश की दिग्विजय, हम डिस्कस भी करते थे, दिग्विजय बोलता था नहीं ये स्प्लिट्स है, मैं बोलती थी नहीं ये क्रॉस ओवर है, तो जब आपको पता ही नहीं आप किस चीज के अंदर जा रहे तो प्रिपेयर्ड क्या होगे, हाँ। फिर जैसे ये तो था कि दिग्विजय और आकृति ने कैसे प्लानिंग की थी, तो दिग्विजय आकृति को ऐसा लगा, आकृति को तो पता था कि वो स्प्लिट्स जा रही है, उसको आई थिंक 15-20 दिन पहले ही कॉल आ गया था, और दिग्विजय को पता था कि वो जाएगा तो स्प्लिट्स में ही, एंड फॉर सम रीजन ही वाज 100% श्योर दैट ही इज गोइंग इन स्प्लिट्स, उसको यही लग रहा था कि डेटिंग शो नहीं है ये स्प्लिट्सविला है, हमारी बेट भी लगने वाली थी, उसने बोला देखा अपन बेट लगाते, मैंने बोला बेट तो मैं नहीं लगाऊंगी, तो ही वाज यू नो 500% श्योर दिस इज स्प्लिट्सविला, तो जितना मुझे लोगों ने बताया, जितना मैं लोगों से मिली, आई डोंट टेक नेम्स, बट उन्होंने भी मुझे यही बोला कि आकृति और दिग्विजय वर प्लानिंग टू प्ले टुगेदर, बट अनफॉर्चुनेटली दिग्विजय वेंट इन एक्साइल एंड जशवंत वहां आ गया, तो ऐसी चीज हो गई, वरना आप देखो कि अब थ्रू आउट पूरा गेम देखो, आकृति का गेम प्लान और दिग्विजय का गेम प्लान एकदम सिमिलर है, मतलब उनका बीच में पढ़ के लड़ाई झगड़े करने का तरीका और अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने का तरीका, अपना दिमाग चलाने का तरीका बिल्कुल सेम है, तो आई थिंक समवेयर दे हैड डिस्कस्ड हाउ टू प्ले द गेम, बट आई थिंक इट इज ऑल्सो इन अ गुड वे, लाइक मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आपकी भूख है किसी चीज को पाने की तो आपको उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, अब जैसे किसी की भूख अगर शो जीतने की है तो आपको हर चीज में प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, मेरी भूख कभी जीतने की नहीं थी, मेरा हमेशा से ये रहा है दैट रोडीज में मैं अपनी पर्सनैलिटी नहीं बता पाई लोगों को, मेरे को एक मौका चाहिए था, वो जो एक शॉर्ट जर्नी थी उसमें लोगों को मैं बता नहीं पाई थी, तो मेरा एजेंडा सिर्फ ये था कि मुझे कोई भी शो मिलेगा ना आई वांट टू चेंज द इमेज दैट दिस इज नॉट हाउ नायरा इज, जैसे आप लोग सोचते हो, तो मेरे लिए वो था, और मुझे पता था कोई भी शो आई विल जस्ट रिएक्ट द वे आई वॉन्ट एंड अपने आप लोगों को पता चल जाएगा वो चीज, तो आई थिंक अगर दोनों ने प्लान भी किया तो इट्स गुड, आकृति के लिए तो इट वर्कड आउट, शी वन द शो, यस। आपने जैसा कि कहा कि बैकपैक थी बिग बॉस के लिए मराठी के लिए, आपको कोई कॉल वॉल आया था क्या? ज्यादा चीजें मैं बताना नहीं चाहती, बट बातें तो हुई थी, काफी कुछ हुई थी बातें, ऑलमोस्ट था भी जाने का, बट कुछ चीजें हुई, मे बी आई डोंट नो, मे बी जाऊं या ना जाऊं आई डोंट नो, बट बातें तो चल रही थी, बट अभी ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है रितेश देशमुख सर ने तो ऑलरेडी काफ़ी एक्सपोज कर दिया है उन्हें, तो आई डोंट नो कि मेरे जाने से कितनी क्या चीज़ें चेंज होंगी, बट डेफिनेटली माय ऑडियंस वांट्स मी टू गो इनसाइड, यस, मैं देख रही थी कमेंट्स, लोग चाह रहे हैं कि आप जाओ, हर दिन एक रील बनती है
लव एंगल दूसरे करते हैं, मीम्स मुझ पे बनते हैं, तो पीपल आर लिटरली लाइक आस्किंग मी कि प्लीज गो एंड वियर्ड पार्ट इज कि ऑडियंस को ऐसा लगता है कि निकी बहुत इनोसेंट है तो उनको चाहिए मैं निकी को जाके बचाऊं, बट ऐसा नहीं है, उसने ऑलरेडी बोल दिया मैं कमिटेड हूँ, फिर भी उनकी चीजें कंटिन्यू हो रही, तो समवेयर शी इज अवेयर अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग, सो अगर ऑडियंस चाहती है कि मैं उसको बचाने के लिए जाऊँ तो वो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि अरबाज की टीम ने भी रीच आउट करने की कोशिश की मुझसे, उन्होंने मेरे इंटरव्यूज पे बोला कि आप कंट्रोवर्सी करने की कोशिश कर रही हैं, और रही बात बिग बॉस मराठी की, तो अरबाज को बोला गया लव एंगल करने के लिए और निकी इज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट, ऐसा अरबाज की टीम का कहना है, तो आई डोंट नो कौन कितना सच बोल रहा है, और लेट्स सी डेस्टिनी क्या कहती है। आपको लगता है कि निकी भी खेल रही है? यार मुझे ऐसा लगता है कि निकी को पता है अबाउट लीजा, बिकॉज दोनों औरंगाबाद से हैं, और स्प्लिट्स में तो मुझे नहीं पता था अरबाज आ रहा है, बट बिग बॉस के नाम्स ऑलरेडी बाहर हो चुके थे, तो अगर आप ऑलरेडी एक बिग बॉस हिंदी कर चुके हो तो ऑफकोर्स आप इस बार प्रिपेयर्ड रहोगे, आप पता करोगे कौन कौन आ रहा है, और जब आपको पता है कि अगर ये बंदा आ रहा है तो आपने इंस्टाग्राम तो चेक किया होगा, मेरे पास एक्सेस नहीं था इंस्टाग्राम चेक करने का, आपके पास था, आपने देखा होगा, आपको बंदी दिखी होगी, और आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि आपको नहीं पता होगा। हाँ मैं ये मान सकती कि इतने दिन किसी के साथ रह के आपको एक अटैचमेंट हो जाता है तो एक मुश्किल होती है उस इंसान को छोड़ना, बट अगर आपको बंदे ने ऑन टीवी बोल दिया कैमरे के सामने कि भाई मैं कमिटेड हूं, और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर यार या तो आप अपने साथ भी गलत कर रहे हो, वो जो बाहर बंदी बैठी उसके साथ तो सबसे ज्यादा ही गलत हो रहा है, और ऑडियंस के साथ और गलत हो रहा है, क्योंकि एक ना फेथ के साथ ऑडियंस एक शो देखती है। लव एंगल क्यों करते हैं लोग? कंट्रोवर्सी के लिए, फुटेज के लिए या लाइमलाइट के लिए, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट एक ऑडियंस उस लव एंगल में जुड़ जाती है, उनके लिए वो रियल होता है, उनके लिए वो ऐसा होता है कि वो ना ऐसा इंसान इमेजिन करने लगते हैं अपनी लाइफ में भी कि मेरा भी लव स्टोरी ऐसा हो, बट इट इज वेरी रॉन्ग कि आप ऑडियंस के ही इमोशंस के साथ खेल रहे हो। चलिए मुझे लगता है कि हमारी कॉफी आ चुकी है, इस समय हम लव एंगल लाते हैं, मैं और यहाँ पे स्पेशल कॉफी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लीजा के अगर आपने रीसेंट अपडेट देखे होंगे तो उसमें उसने लिखा है कि प्लीज मुझे अरबाज के बारे में कमेंट ना किया जाए, जिससे अब लोगों का ये स्पेकुलेशन है कि शायद अब वो लोग साथ में नहीं है। आई थिंक इट इज ऑल ड्रामा, क्योंकि जब स्प्लिट्सविला भी हो रहा था तो स्प्लिट्सविला के टाइम पे तो उन्होंने ऐसा बोल दिया स्क्रिप्टेड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन वो तब भी फ्रस्ट्रेट तो हो गई थी ये सारे कमेंट्स, क्योंकि तब वहाँ पे लोग नायरा नायरा लिख रहे थे, तो तब भी उनके कुछ कमेंट्स थे कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी ऑल दैट। अब जब निकी वाला चीज़ हो गया ना, तो वो किसी लड़की से या किसी कुछ लोगों से बात करती है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे उनके, दे वॉन्टेड मी टू हेल्प हर। मैंने बोला मैं हेल्प तो करूंगी ठीक है, बट मुझे भी तो श्योरिटी होनी चाहिए कि ये इंसान जेन्युइन है, और मुझे समझ नहीं आता मेरे केस में कोई हेल्प करने नहीं आता, बट मैं एक तरफ निकी को भी बचाऊ, मैं एक तरफ लीजा को भी बचाऊ, लेकिन मेरे केस में कोई भी नहीं आएगा। मेरे केस में कि आप लीजा की मदद करें, यस, क्योंकि उनको लग रहा है कि लीजा के साथ गलत हो रहा है, तो मेरा फिर एक ही चीज था कि आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं, आप 20 साल के तो हो नहीं कि आपको अकल नहीं इतनी कि आपको समझ नहीं आ रहा कि हर चीज स्क्रिप्टेड नहीं होती। जैसे स्प्लिट्सविला में उन्होंने लीजा को ऐसा कहा था कि मैंने नायरा को गोद में इसीलिए उठाया क्योंकि प्रोडक्शन ने ऐसा बोला था, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था। अब उन्होंने इनको ऐसा बोला है कि अंदर जाके लव एंगल तो करना पड़ेगा, ये ऐसा प्रोडक्शन ने बोला, ऐसा उन्होंने किसी को ये भी बोला है कि बायो से अरबाज के लीजर डली हुई थी बायो में, वो हटवाया गया, तो अरबाज ने ऐसा उनको बोला है कि ये मुझे मेकर्स ने बोला है। वो हर चीज ना मेकर्स शो इन पर डाल देते, करते वो खुद अपनी मर्जी से, तो आई एम श्योर कि लीजा को भी उन्होंने यही बोला है कि मुझे शो वालों ने बोला लव एंगल करने को। तो मैंने एक चैट पढ़ी थी जिसमें लीजा ऐसा लिख रही थी कि उसने मुझे बोला था कि अंदर जाके मुझे लव एंगल करना पड़ेगा, बट नाउ ही हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट्स एंड आई हैव एंडेड माय रिलेशनशिप विद हिम एंड वंस ही विल कम आउट ही विल गेट टू नो। ये सब ड्रामे हैं, जिस मोमेंट वो बाहर आएगा सब सॉर्टेड हो जाएगा, क्योंकि वो आके यही बोलेगा मेरी मजबूरी थी, मेरे को शो वालों ने बोला था, एंड फिर से वो निकी गलत दिखेगी जैसे मैं गलत दिखती थी और वो उसकी नजरों में सही रहेगा। तो आई थिंक इट्स टिपिकल दैट एग्जांपल ऑफ मियां बीवी जिनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं और जो फटे में टांग अड़ाता है वो बुरा बनता है लेकिन वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ये वही वाला सीन चल रहा है। आई थिंक लीजा की जगह कोई भी लड़की होगी ना, मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको ये लगता है कि ये दुनिया स्क्रिप्टेड है, ये नहीं है, वट एवर इज हैपनिंग विद दैट पर्सन्स विल, एंड अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो ना तो कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता, पहली लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है फिर दुनिया आती है हेल्प करने के लिए। मेरा मतलब मुझे लोग इतना बोल रहे हैं, मैं जब शो से बाहर निकली मुझे बहुत बुरा लगा उसके लिए, बट जब उसने मेरी चीज़ों को भी स्क्रिप्टेड नाम देना स्टार्ट कर दिया ना, फिर मुझे लगा कि यार मुझे ऐसी लड़की की हेल्प नहीं करनी जो एक लड़की होके दूसरी लड़की के साथ गलत
गलत हुआ है, उस चीज का स्टैंड लेने के बजाय तुम उसको भी स्क्रिप्टेड बोल रहे हो, और आज जब दूसरी बार हो रहा तब तुम्हें अकल आ रही है कि चीज गलत हो रही है, मेरे टाइम पे क्या था, अब तो आपने स्क्रिप्टेड बोल दिया, अब बोलो ना स्क्रिप्टेड सबको, अब क्यों आप बोल रहे हो कि मेरे से ये बात नहीं करनी, ही हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट, ही हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट्स इवन व्हेन ही वाज इन स्प्लिट्स विला। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो 5 साल से और एंगेज्ड हो, तो भाई आपको तो आंख उठा के भी नहीं दिखना चाहिए दूसरी लड़की की तरफ, वही लिमिट क्रॉस हो जानी चाहिए, गोद में उठाना ये सब तो बात की बात है। आपको लगता है कि लीजा को भी शायद बिग बॉस में बुलाया जाए? मुझे तो लगता है उसको बुलाना चाहिए, बट वो जाएगी नहीं। जो लड़की ने एक बंदे के कहने पे इतना कुछ झेल लिया, इतना कुछ सहन कर लिया, वो क्या जाएगी? बट आई होप वो जाए, एंड आई होप कि वो ऐसा एग्जाम्पल सेट करे दैट लड़कियां अबला नारी नहीं होती। अगर लड़कियों के साथ गलत होता है, दे नो हाउ टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज अगर आप नहीं लेते हो ना, सामने वाले को ना वो हिम्मत बढ़ जाती है। आज अगर स्प्लिट्स वाला के टाइम पे वो एक्शन ले लेती ना, तो आज दोबारा नहीं होता, ये मैं भी मानती हूं। तो आई थिंक शी शुड गो एंड शी शुड टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। आपकी कभी लीजा से बात हुई है? उसने अप्रोच करने की कोशिश, उसने किया था कोशिश, किसी के थ्रू उसने बोला था कि मुझे नायरा से बात करनी है, खत्म होने के बाद ही, बट ऑन एयर था, तो बट मैंने उनको बोला कि मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था मुझे किसी के फटे में टांग अड़ाना नहीं, जो इंसान ब्लाइंडली लव में उसको समझा के कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने वो स्क्रिप्टेड वाली चीजें कर ली थी, तो मेरा मन ही नहीं हुआ, मतलब मैं जेन्युइनली चाहती थी उनकी हेल्प करना, बट मुझे ऐसा लगा कि आई डोंट थिंक सो आई एम हेल्पिंग द राइट पर्सन। कशिश का जब मैंने इंटरव्यू किया ना, तो उसने मुझे बोला कि अरबाज बहुत मिसोजिनिस्ट टाइप का है, तो मुझे मैंने कनेक्ट किया था जब आप लक्ष्य को बचाने वाली बात थी, आपने बोला आप मुझे आग दिखा रहे हो, आप मुझे, तो आप इस स्टेटमेंट से एग्री करती हैं? 100% एग्री करती हूँ। ये तो आपको अभी लक्ष्य के केस में दिखा है, इससे पहले भी हो चुका है, जो दिखा नहीं है लोगों को। जब आइडल मैच बनने की बात थी दिग्विजय और मेरी, तो मैं चाहती नहीं थी जाना, मैंने सीधा बोल दिया था कि मुझे किसी के साथ आइडल मैच नहीं बनना है, मैंने अरबाज को क्लियर कट बोला था। तो अरबाज वॉज फोर्सिंग मी सो मच कि नहीं यू शुड गो, नहीं यू शुड गो, क्योंकि उसके दिमाग में था ये सेफ रहेगी ना तो मैं बच जाऊंगा, तो मैं नहीं मान रही थी। तो जब मैं उसकी बात नहीं सुन रही थी ना, उसने सीधा मुझे गाली बकी, अब प्लीज बीप कर देना ये, उसने मुझे सीधा ये बोला मां मत चुका, एंड आई गॉट शॉक्ड, क्योंकि अरबाज की तो बहुत स्वीट बॉय वाली इमेज है, वो तो कभी गाली बकता ही नहीं है, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे तो शेरनी जैसा बना के रखा था। तो मैं एकदम से ऐसे हो गई, उसको लगा कि शिट मेरा असली चेहरा बाहर आ गया, ही कवर्ड इट अप, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको ये था कि ये तमाशा ना कर दे, वो बात वहां कवर अप हो गई, मैंने किसी को नहीं बोली, मैंने सोचा गलती से निकल गया होगा, वो ऐसा बंदा है नहीं। फिर क्या हुआ, ग्रेजुअली, पहले तक तो मैं उसमें इंटरेस्टेड थी नहीं, तो पहले तो बहुत एफर्ट्स लगाए गए सब हुआ, बट जब जिस मोमेंट पे मैं वल्नरेबल हुई और मैंने बोला कि यू नो आई हैव स्टार्टेड फीलिंग थिंग्स और आई एम गेटिंग इमोशनली अटैच, इसको समझ आ गया कि बंदी तो अब मेरे उसमें आ चुकी है, तो उसने ना अपना बिहेवियर दिखाना स्टार्ट किया, अग्रेसिव होना, जैसे शिवेत को उसने धक्का दिया था उसमें, कुछ बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बट उसने वहां धक्का दिया, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी, नॉट एट ऑल। मेरा पैर इंजर्ड था, मेरे इंजर्ड पैर पे वो बार बार चढ़ता था, मतलब उसका आदत है बहुत लंबा है, वो देख के नहीं चलता, मैं उसको बार बार बोल रही हूँ हर्टिंग मी, he's not, you know, he's like least bothered about it. उसके बाद जैसे मेरा पैर टूटा हुआ था, मेरी हालत इतनी खराब थी कि मतलब मैं ना, मेरा पैर इतना सूजा रहता था, तो अब वो मेरा पार्टनर है शो में, मुझे तो नहीं पता ना फेक कर रहा है, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट करूंगी कि थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा, तो जीरो कंसर्न, जीरो एम्पैथी, नथिंग एट ऑल। और इवन टास्क में वो अग्रेसिव हो जाता था, हम क्लॉक वाला टास्क कर रहे हैं, वो मेरे बालों को रब कर रहा है, मैं बोल रही हूँ कि अरबाज यू आर हर्टिंग मी, बट ही इज लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट। ये छोटे 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 चीजें हुई, बट मैंने किसी को बोला नहीं, बिकॉज बात वही है कि आप इस शो में ना किसी से कुछ शेयर कर नहीं सकते, वो आपके अगेंस्ट ही होती है चीजें, मैंने अंदर रखी, मैंने कहा ठीक है। उसके बाद जब लास्ट लक्ष्य वाला सीन हुआ, बाप रे, मतलब दैट गाय वॉज नॉट रेडी टू चेंज हिज डिसीजन, और वो सीधा मेरे को बोल रहा था मैं शो छोड़ दूंगा बट मैं चेंज नहीं करूंगा, एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द शो, और मैं लिटरली बोल रही हूँ, और मैंने उसको फोर्स नहीं किया, मैंने बोला तू मत बदल, बट तू मुझे भी फोर्स मत कर बदलने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत इमोशनल कनेक्शन था और वो बंदा मेरा दोस्त था शो में, वो मेरे को आंख दिखा रहा है ऐसे, नायरा चेंज कर डिसीजन, नायरा तू समझ नहीं रही, मैं मियां भाई हूँ, मैं अपनी जबान से पीछे नहीं हट सकता, वो इतना अग्रेसिव हो रहा है, बहुत, मतलब आपको 2% दिखाया है जितना हुआ है, और बहुत लंबा डिस्कशन चला, हम बहुत देर तक खड़े खड़े, हम डिसीजन ही नहीं ले पा रहे क्योंकि मैं रेडी नहीं थी डिसीजन चेंज करने के लिए। और जब वो हुआ ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि इस बंदे ने
मतलब इतना मेरे को इस पोजीशन में डाल दिया कि मुझे अपने ही दोस्त को निकालना पड़ा। उसके बाद ऑडासिटी देखो, फिर भी वो हाथ पकड़ रहा, तो अब देखना मैंने उसका हाथ ही नहीं दिया, मतलब मैं यूजुअली उसका हाथ हमेशा होल्ड करती थी, मैंने उसको हाथ भी नहीं दिया और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हम रूम में गए और रूम में मुझे मना रहा है, मैं बोल रही हूँ डूड तेरी वजह से मेरा दोस्त गया है, वो मेरे इतने क्लोज आया था, वो सीन दिखाए नहीं गए, वो इतना क्लोज आया था। एंड आप सोचो 6 फुट 4 इंच का बंदा है और आवाज इतनी तेज, इतना ऊंचा बंदा, और मेरे को देख रहा, आंखें दिखा रहा है, और मैं वहां पे बोल रही हूँ कि यहाँ पे मैं इमोशनली मेरा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो मुझे आंखें दिखा रहे हो, तो मुझे चिल्ला रहे हो यहाँ पे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब ऑडियंस को पता चला, ये चीजें बहुत पहले से हो रही थी, और दिग्विजय ने उसको रोका और उसको बोला भी कि भाई उसका भी दोस्त गया है, तो अभी ये सब चीजें समझनी चाहिए। मतलब ये तो बेसिक सी चीज है ना कि किसी का दोस्त गया है और तुम्हारी गलती की वजह से गया है, तो तुमको तो और आवाज नीचे रखनी चाहिए, तुम और सामने को थ्रेटन कर रहे हो। मेरे को तब लगा कि यार अब तो चीजें बहुत हाथ से निकल चुकी है, बट आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट वो ऑडियंस देख पाई। और उसके बाद पॉडकास्ट, जो श्रेया और मेरा पॉडकास्ट था, मतलब श्रेया को भी एक पॉइंट पे लगने लगा होगा कि ये बंदा आके स्नैपबैक ना कर दे, बिकॉज वो इतना तेज चीख रहा था, इतना ज्यादा लाउड था वो, उसको यही पता था कि मतलब उसने मुझे शो के अंदर भी एक चीज बोली थी कि ना मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, मेरे को मेरे गुस्से से बहुत डर लगता है, मैं चाहता नहीं हूँ ये साइड मेरी दिखे लोगों को, बट बात वही है ना, कितना भी मुखौटा पहन लो, आपका रियल चेहरा सामने आता है। वो आया बिग बॉस मराठी में, जब उसने सामान फेंकना स्टार्ट किया, वो सब दिखा लोगों को। मैं हमेशा से यही चीज बोलती हूँ, मैंने अभी तक जिसके लिए जो भी बोला है ना, बहुत सही चीज बोली, वो उस वक्त नहीं दिखी है बट वो बाद में दिखी है। एंड कर्मा ऑलवेज कम्स बैक, आई बिलीव इन दिस थिंग सो मच कि मतलब वो बंदे ने जितना फेक किया हो ना, आज वो पूरी दुनिया के सामने बाहर आ चुका है। एंड ही इज अ मिसोजिनिस्ट, ही इज अ नार्सिस्ट, एंड उसने अपनी बंदी को पूरा गैसलाइट करके रखा हुआ है, ये फॉर श्योर है। तो आपको बुरा लगता है कि आप तो चलिए निकल गई, लेकिन ऑनेस्टली मुझे बुरा पहले लग रहा था जब मुझे पता नहीं था सारी चीजें। देखो पता है क्या होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लीजा के साथ हो रहा है या मेरे साथ हुआ या निकी के साथ हुआ, होता सबके साथ है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू डील विद इट। जब आपको पता चल जाता है कि ये बंदा आपके लिए गलत है, तो यही विंडो होती है आपके लिए वहां एक्शन लेने की। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना, मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चलती ही ना कि आज अगर मैं एक ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसकी मुझे 10 चीजें पता है खराब है, मैं मना रही हूँ खुद को कि ठीक है मैं रह लूंगी, बट जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और जब मुझसे वो क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारा बाप जब ये चीज कर रहा था, आपने तब क्यों नहीं एक्शन लिया, आई विल नॉट हैव एनी आंसर टू दैट। यू नो किड्स डोंट हैव अ चॉइस टू हैव अ डैड, उनको वो मिलता है जो हम देते हैं उनको, बट वी हैव अ चॉइस टू चूज अ हस्बैंड और अ पार्टनर, राइट? तो मैं क्यों ऐसे इंसान को चूज करूं? तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूं कि मुझे भी प्यार हुआ यार, मुझे भी गलत लोगों से प्यार हुआ है, अटैचमेंट हुआ है, फीलिंग्स हुई है, बट जिस मोमेंट पे मुझे पता चला था ना कि ये इंसान गलत है, मैंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा उस इंसान की तरफ। मैंने हमेशा धज्जियां उड़ाई उस इंसान की, लेकिन मैंने मतलब ये नहीं किया कि नहीं यार मुझे तुम्हारी लाइफ में रहना है। तो अगर ऐसी लड़कियां हैं जो झेल रही है, जैसे लीजा झेल रही है, जो भी है, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज योर किड्स विल क्वेश्चन यू फॉर दिस, योर किड्स विल सफर बिकॉज ऑफ दिस, एंड you will have a regret for lifetime. And I know that ladkiyon ke sath ye bhi problem hai ki they get emotionally attached, to wo easily chhod nahi pati hai, to unko ye lagta hai ki humne itne saal ek insaan ke sath invest ki, hum dusre ke sath zero se start nahi kar sakte, but they fail to understand ki wo jo aapne 6 saal ya 5 saal jo bhi is insaan ke sath nikale wo toxic aur wo poisonous the, isse better aap zero se start kar lo and life doesn't stop. What I have realized, Hina, I have seen people falling in love after 40 years 50 years and they live a very good life. It's just that you need lots and lots of courage to take that step, but life doesn't stop for anyone. Yeah, true. तो I think मुझे किसी के लिए बुरा नहीं लगता, बस मुझे ये लगता है कि आपके इस एक्शन की वजह से जो और भी लड़कियां फंसी हुई हैं, they are not getting the courage to do it. एक point of time पे ये भी समझ में आया कि आपका अक्षय और दिग्विजय का जो bond था वो बहुत अच्छा था, और आपने कई बार इस बात को एक्सप्रेस भी किया कि जब मुझे इमोशनली जरूरत होती है तो दिग्विजय होता है, कोई तुम नहीं होते हो अरबाज। नहीं, मैंने लक्ष्य के लिए बोला था ये, सॉरी। तो बेसिकली क्या था, लक्ष्य के लिए जवाब, अरबाज तो इमोशनली कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं था उसकी साइड से, आई थिंक ही डजंट इवन हैव इमोशंस, बट व्हेन इट कम्स टू माय फ्रेंड्स, मैं सबसे ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड थी सचिन से। सचिन और हम लोग बैठ के डिस्कस किया करते थे, वो बोलता था कि मैंने कुछ गलत किया या सही किया तू मुझे बता, तो हम लोग का ना ऐसे बात होती थी, तो मेरी इमोशनली जो भी बात होती थी वो सचिन से होती थी। ये दिखाया नहीं गया बट सचिन के एलिमिनेशन से पहले सचिन के साथ मैं बैठी थी, मैंने उसको बोला कि यार मैं बहुत इमोशनली इन्वेस्ट हो रही हूँ, मेरा गेम खराब हो रहा है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। तो अब जब सचिन गया ना,
तो मेरे को लिटरली अपाहिज वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या करूं? जब मुझे अरबाज ने ये इनडायरेक्टली बोला भी था कि ही लव्ड समबडी आउटसाइड द शो और व्हाटएवर, और उनकी शादी नहीं हो पाई जो भी इनके पास्ट में रहा, तो मेरे पास कोई था ही नहीं मैं किससे चीज शेयर करूं, और मुझे नहीं पता मैं किसको ट्रस्ट कर सकती हूँ कि नहीं। और दिग्विजय भी उस टाइम पे उन्नति चली गई थी, तो वो खुद ही लॉस था, तो एक लक्ष्य ही था। आई रिमेम्बर मैं लक्ष्य के पास गई, लक्ष्य और हम उतने क्लोज नहीं थे, हम लोग ब्रोज वाले थे। मैंने लक्ष्य से इसे बोला कि कैन यू बी सचिन फॉर मी, मैंने उसको सिर्फ यही बोला। तो वो बॉन्ड मेरा लक्ष्य से नहीं था, बट आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड सचिन एंड लक्ष्य। तो मैंने लक्ष्य से बोला, और मैंने लक्ष्य से ये चीज बोली कि मेरा इमोशनल डैमेज उस टाइम पे ये हो रहा था कि एक तरफ मेरा दोस्त है दिग्विजय, एक तरफ मेरा कनेक्शन है, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा हिंट भी हो रहा था कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब मुझे दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े। तो मैं इतनी ज्यादा डिलेमा में थी, मेरे आंखों में आंसू थे पूरे। मुझे याद है मैं लक्ष्य से बोल रही थी, लक्ष्य मुझे समझ नहीं आ रहा अगर मैं अपने कनेक्शन को चूज करूंगी, मेरे दोस्त की वो ये हो सकता है कि वो गेम से बाहर हो जाए, वो अकेला पड़ जाए, अगर मैं अपने दोस्त को चूज करूंगी तो मेरा कनेक्शन बाहर हो जाएगा। मैं इतनी ज्यादा डिलेमा में थी, एंड लक्ष्य वॉज द वन हु literally hugged me and advised me कि अभी जब तक चल रहा है तो अभी दिग्विजय के साथ continue कर, जब choice आएगी तब decide करना क्या लग रहा है तेरे को, तब at least दिग्विजय के लिए भी एक option अपन कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो you know I was finding सचिन and लक्ष्य, but लक्ष्य had been there, वो जो भी particular एक दिन दो दिन जो भी था he was there for me। तो मेरे को इसीलिए ये था कि मैं इसको तो नहीं निकाल सकती हूँ, और वो माफिया वाले राउंड में भी, कौन था कातिल वाले राउंड में भी, मैंने लक्ष्य को चूज किया बिकॉज मेरे को पता था कि एक ही है मेरे पास, मैंने उसमें कर लिया, नहीं जाएगा वो, मुझे इतना श्योरिटी था। और मुझे ये भी था कि सेकंड राउंड है ना, मतलब उसमें कोई और चला जाएगा, ये अरबाज ने पता नहीं क्या दिमाग लगाया कि उसने शूबी को उड़ा दिया। तो मतलब ऑलरेडी उसने मेरे फ्रेंड को डेंजर जोन में तो डाल ही दिया, उसके बाद मुझसे भी उसको और वोट आउट करा दिया। तो वो लाइन मैंने इसीलिए बोली क्योंकि इमोशनली लक्ष्य था मेरे साथ इनिशियल एपिसोड में, दिग्विजय था, एंड सचिन वॉज देयर थ्रू आउट, बट अरबाज वॉज नॉट अवेलेबल इमोशनली एट ऑल। वो सिर्फ नाटक नौटंकी था बस जो था। आई थिंक लक्ष्य का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे थे कशिश को 10 लाख चाहिए होता तो मुझसे ही ले लेती। आई डोंट नो अगर लक्ष्य ने ऐसा बोला है कि नहीं, आई थिंक उन्नति ने अपनी स्टोरी पे शेयर किया था। आई डोंट थिंक सो लक्ष्य ने बोला होगा, अगर बोला है तो विच इज वेरी बैड, क्योंकि जब ये पूरा एपिसोड उन्नति ने ही शेयर किया था क्योंकि मुझे नहीं लगता लक्ष्य बोलेगा है, क्योंकि जब ये 10 लाख वाला चीज हुआ भी था उसके बाद तो लक्ष्य और कशिश फ्रेंड्स ही थे, दे वर हैंगिंग आउट। लक्ष्य ने बाद में अनफॉलो भी किया क्योंकि ऑडियंस देखेगी ना यार कि दिग्विजय का दोस्त है और कशिश को फॉलो कर रखा है, तो थोड़ा ऑडियंस के लिए भी करना पड़ता है। बट आई डोंट थिंक सो लक्ष्य ने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा कि मुझसे 10 लाख ले लेती, इट वॉज आई थिंक उन्नति हू शेयर्ड इट इन द स्टोरी। लक्ष्य ने ऑडियंस के लिए कशिश को अनफॉलो किया, मतलब एक रियलिटी शो रियल में भी चल रहा है, एक रील में भी चल रहा है। यार ये तो देखो मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स कर रहे हैं, लक्ष्य को मैंने हमेशा दोस्ती माना है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई स्टेटमेंट देना सही भी है। बट हाँ मतलब आई फील दैट मोस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स आर प्लेइंग अ गेम आउटसाइड द शो, जो आई डोंट नो फेयर है कि नहीं, बट वही बात है ना, ऑडियंस समझती नहीं है चीज, ऑडियंस को जो दिखाते हैं वही मान लेते हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि आधी चीजें उनको खुश रखने के लिए की जाती है और जो नहीं रखता है ना वो हेटेड होता है। मैं कभी भी ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ, ना कशिश करती है। एंड इनफैक्ट इस चीज़ में को आकृति भी बहुत सही लगती है कि आकृति ने भी अपने ओपिनियंस रखे जो है बिना सोचे कि ऑडियंस का क्या रिएक्शन होगा। तो जो भी इंसान बहुत आउटस्पोकन होकर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है ना वो हमेशा हेटेड रहता है, बट जो इंसान ऑडियंस को वो देता है जो ऑडियंस देखना चाहती है, जो सुनना चाहती है, वो हमेशा उनका फेवरेट होता है। तो आई थिंक या मोस्ट ऑफ देम आर प्लेइंग अ गेम आउटसाइड द रियलिटी शो, बट आई ऑलवेज बिलीव इन कर्मा। मैं रोडीज से बोलती आ रही हूँ, एंड आई थिंक ये बहुत बहुत एविडेंट हो चुका है कि मैंने जिसके लिए भी बोला है वो कुछ ना कुछ रियलिटी बाहर आई है। अब वो लोग नहीं बिलीव करना चाहते ठीक है, बट आने वाले कुछ टाइम में और भी आएगा बाहर, एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट जो शो के बाहर होता है ना वो एक अलग शो चल रहा होता है। दिग्विजय कशिश की लड़ाई शो में पता होने के बाद भी बाहर जो दिख रही है, दिग्विजय शिवित की भी लड़ाई, ये सब भी कंटिन्यूड मतलब रियल लाइफ में क्रिएट करने के लिए। यार देखो पता क्या है सीन कि जब शो खत्म हुआ, आप हामिद का व्लॉग देख सकते हो, हम सब कॉर्डियल है, शिवे दिग्विजय सब कॉर्डियल है, इनफैक्ट जब हम स्टार्टिंग में लाइव भी जा रहे थे तो सब एक दूसरे की लाइव सब कॉर्डियल था, शिवे और दिग्विजय वर कॉर्डियल, एंड शिवित ने तो मतलब शिवित को कंटिन्यू भी नहीं करनी थी वो राइवलरी, बट दिग्विजय न्यू कि ये राइवलरी को माइलेज मिलेगा, सो जब भी शिवित उसको लाइव बुलाता था वो नहीं आता था, भाग जाता था वहां से। इनफैक्ट मैं भी जब लाइव गई थी शिवित के साथ तो मुझे भी यही बोला गया था कि यार तू क्यों चली गई, मतलब एक होता है ना कि
आपको ट्रैक कंटिन्यू करना है रियल में भी। आई डोंट नो विच इज गुड और बैड, मुझे ऑनेस्टली लगता है एक तरीके से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि अगर मेकर्स इतनी मेहनत करके एक स्टोरी लाइन बना रहे हैं तो यू शुड कंटिन्यू दैट, बट देन एट द सेम टाइम मैं नहीं कर सकती वो, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर मेरा शो में किसी से सॉर्ट आउट हो गया है तो मैं बाहर जबरदस्ती राइवलरी दिखाऊं। इफ आई डोंट लाइक यू आई डोंट लाइक यू, इफ आई लाइक यू आई लाइक यू, सिंपल इज दैट। तो दिग्विजय शिवेत वाली लड़ाई तो भाई सॉर्ट हो चुकी थी, कुछ नहीं था उसमें, ये दोनों दोस्त बन चुके थे, ये लड़ाई आई थिंक दिग्विजय की साइड से जारी रही फॉर ऑल दैट जो भी उनको बाहर शो में दिखाना था। कशिश दिग्विजय वाला सीन भी सॉर्टेड था, ऐसा कुछ उनके बीच में नहीं था कि इतना कुछ लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी है। दिग्विजय न्यू इट कि उसको बोला गया था, उसने किया वैसा ही, और ये तो उसकी खुद की लाइंस थी कि कशिश को बोला गया है, तो ये सब चीजें तो उसको सब पता थी। इनफैक्ट वो पार्टी में भी अगर मिले हाँ। तो वहां पे भी उसने बोला था कि आई नो, समझता हूँ मैं शो का क्या है क्या नहीं। तो फिर ऑडियंस को ऐसे दिखाना कि तुम्हारा ड्रीम तोड़ दिया, या तुमने भी तो देवांश देवांगिनी को निकाला, उनका ड्रीम तोड़ा, खनक को निकाला, एक कपल को अलग किया, तो आई थिंक इट्स ऑल फेयर इन द गेम। हाँ, मेरे साथ भी होता तो मुझे बुरा लगता, मेरे को भी गुस्सा आता उतना ही, बट फिर ये बात होती है कि अगर मैं भी किसी के साथ वही सेम चीज कर रही हूँ तो मेरे साथ भी वही चीज होनी है, तो इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आई थिंक जितनी यार जितनी भी लड़ाइयां है ना ये फालतू की, ये ड्रैग ही हुई है। जैसे शिवे तो मेरा सॉर्ट हो गया था गेम के अंदर, तो हमने वो बाहर लड़ाई नहीं दिखाई, अगर हम करते ना तो पता नहीं बहुत ज्यादा और चीजें होती, बट वी बोथ न्यू कि अब हमें नहीं लड़ना है। बीच में हमारी लड़ाई हो भी गई थी, ये फैंस वैंस लड़ाई झगड़े करा दिए थे, बट वी अगेन सॉर्टेड इट आउट। और जब ये लड़ाई भी हुई थी तो मैंने पर्सनली हर्ष को कॉल किया, मैंने बोला कुछ भी है ना उसको शिवित को बोल कि मेरे को डायरेक्ट कॉल करे, हम डायरेक्ट बात करेंगे, वी विल नॉट फाइट ऑन सोशल मीडिया एंड डू ऑल दैट। क्योंकि होता क्या है, दो लोग लड़ रहे हैं, मजा पूरा ऑडियंस ले रही है। और आप एक चीज देखो ना, अगर आपकी सच में किसी से लड़ाई है तो भाई आप फोन पे करो, सीधा जाके सामने मिलो, लड़ो आपस में। लाइव जाके लड़ना, ब्रॉडकास्ट में लड़ना, स्टोरीज में लड़ना, आई थिंक ऑडियंस नीड्स टू बी यू नो मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि उनको कंटेंट देने के लिए हो रहा है और कुछ नहीं है। व्हिच आई डोंट नो राइट इज रॉन्ग, बट हाँ मतलब मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत सी चीजें समझ नहीं आती है। ओके अभी भी बिग बॉस 18 के बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट के नाम जब सामने आ रहे हैं तो कुछ हेडलाइंस तो ऐसी हैं कि दो ऐसे राइवल्स आ रहे हैं जहां पर एक ने दूसरे को धूल चटा दी थी, शिवित और दिग्विजय। फिर सब रूमर्स है, सब यानी कि वो मुझे लग रहा है वो स्टोरी लाइन इसीलिए कंटिन्यू हो रही है कि और भी आगे। यार देखो पता है क्या होता है, अभी अगर आज मैं कैंपेन चलाऊं कि नायरा आएगी तो ऐसा होगा, ये कहीं पे भी मैं अगर पीआर करवाऊं तो मतलब वो इतना हाइप बन जाएगा कि ऑडियंस के दिमाग में भी आएगा हाँ यार अगर ये आएंगे तो मजा आ जाएगा। हाँ मतलब ऐसे जैसे बिग बॉस वाला, अगर मैं चाहती तो मैं बहुत कैंपेन कर सकती थी, तो मुझे आराम से कॉल आ जाता, मतलब मैं जबरदस्ती वो कैंपेन कराती थी नायरा आएगी तो ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। तो भाई ये सब पीआर का गेम होता है, जब ऐसी चीजें होती कि दो लोग आएंगे जैसे कशिश दिग्विजय आएंगे तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, वो पैसे वाली चीज पर डिस्कशन होगा, या शिवेत दिग्विजय आएंगे तो राइवलरी होगी, ये सब तरीके होते हैं अपनी हाइप बनाने के लिए, मेकर्स तक बात पहुंचाने के लिए कि भाई देखो हम अच्छा खासा कंटेंट दे सकते हैं। दिस इज ऑल स्मार्ट वर्क, आई एम डम, आई डोंट नो हाउ टू डू इट, ये सारी चीजें मेरे को नहीं पता, बट आई थिंक अभी तक तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है, ये सिर्फ अफवाहें चल रही है, और अफवाहें कब सच हो जाए वी डोंट नो, बट अभी तक तो अफवाह ही है। तो आपको लगता है ये सब पीआर वर्क भी है? सब पीआर वर्क, उस पे तो पैसा बहुत खर्चा होता है। हाँ कुछ लोगों ने तो 10-10 लाख लगा रखे हैं, मुझसे तो 10,000 भी खर्च नहीं हुए, बट ठीक है, आई थिंक whoever can afford should do it, आई थिंक इट्स गुड also फॉर योर करियर। सी मैंने वही कहा ना, आपकी जितनी भूख उतना एफर्ट, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं पीआर करवाना वो कर रहे हैं, जिनके पास भी पैसे हैं वो कर रहे हैं। मुझे याद है मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज आए हैं, जितने लोगों ने कॉल किया, मैंने उतने किए, आई डोंट हैव दैट मच मनी कि मैं इतना स्पेंड कर पाऊँ। सो आई थिंक यहाँ अगर है तो करो, पीआर इज ऑलवेज गुड, बट मुझे बस ये चीज खराब लगती है कि ऑडियंस उस पीआर को इतना सच समझ लेती है कि उसको सच समझती है और दूसरे इंसान को झूठा समझती है, झूठा समझती है, वो चीज है। तो किसने 10 लाख खर्च किया है? यार मैं नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, मैं तो ऐसे मैंने हवा में 10 लाख बोला, क्या पता ज्यादा भी हो, क्या पता कम भी हो, क्या पता एग्जैक्टली 10 लाख हो। किन किन का अभी तक बॉन्ड कंटिन्यू है, आप किसके साथ टच में है, और जो पेयर बने थे आदित खनक का ही सिर्फ मुझे पता चला, आदित खनक तो आई थिंक दे आर नॉट टुगेदर, हर्ष रोशालिया स्टिल टुगेदर। जबकि मुझे एक इंटरव्यू में आपने बोला था कि बहुत ओरिजिनल लगता था, मुझे तो अभी भी लगता है, मतलब आई स्टिल अडोर देम सो मच, व्हाटएवर जो भी उनके रीजंस हो, बट आई थिंक ऑडियंस आल्सो लव देम टुगेदर, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट। सो अभी हर्ष रोशाली साथ में है, चुलबुल दीवान साथ में है,
और कौन कपल थे शिवेत अनिका साथ में है और दिग्विजय उन्नति. आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया. आई एम ग्लैड इफ दे आर टुगेदर बट आई हैव नो आइडिया इफ दे आर कपल और समथिंग. दिग्विजय वो तो आपके अच्छे दोस्त थे. नहीं मतलब थे वो दोस्त बट देन जब से मुझे पता चला है कि वो जो टी वाला टास्क हुआ था जिसमें उन्नति ने मैंने लिखा था जो भी था तो वो टेक्निकली लिखा दिग्विजय ने था. यस ये मुझे पता चला थोड़े दिन पहले. पर आपने फिर क्यों माना कि आप सो वही हुआ क्या था कि जब वो चीज सिचुएशनशिप वाली थी पहली चीज तो ये कि मैंने सिचुएशनशिप नहीं लिखा था. मैंने ये लिखा था कि इसका एक्स है बाहर और इसके पास वापस चली जाएगी और दिग्विजय को घोस्ट कर देगी मेरे ये वर्ड से. ठीक है अब जब सिचुएशनशिप वाला वर्ड आया तो मुझे लगा मैंने लिखा क्योंकि ये बात तो मुझे था कि मेरे को ही पता होगी मतलब दिग्विजय खुद तो कभी लिखेगा नहीं उन्नति के बारे में और इशिता से मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना डिटेल में उसको पता होगा. मुझे पता था कि ईशन मैंने ही लिखा होगा. मैंने एक्सेप्ट भी किया. फिर जब वो चाय फेंकने के लिए आने लगी तो दिग्विजय ने बोला भी उसको कि देख नायरा ने एक्सेप्ट कर लिया. तो मैंने दिग्विजय को इमीडिएटली बोला कि मैंने नहीं लिखा बिकॉज मेरे दिमाग में चल रहा था कि ये लाइन मेरी तो है नहीं. अब हुआ ये कि थ्रू आउट द शो मुझे यही लगा कि मैंने लिखा क्योंकि मेरी किसी से बात नहीं. मैंने वीडियो में भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने लिखा है. अब सबको पता चल गया किसी ने मुझे बताया नहीं है मेरी बात नहीं. मुझे इशिता ने बोला कि आपको पता है कि वो वाली चीज तो दिग्विजय ने लिखी तो मुझे लगा अजम्पशन लगा रही होगी है नहीं होगा ये चीज. तब भी मेरे को इतना वो नहीं हुआ. फिर मेरी दो तीन लोगों से बात हुई और कंटेस्टेंट से बात हुई. अभी पार्टीज वार्टीज हुई एंड मेकर से वो मिले होंगे तो नाम नहीं लेना चाहूंगी बट टीम से ही जब उन्होंने बताया कि भाई दिग्विजय ने ही लिखा था और दिग्विजय को बोला भी गया था कि वीडियो में ये एक्सेप्ट कर कि डिनाइड एक्सेप्टिंग दैट कि उसने ही उन्नति के लिए लिखा है. तो तब से मुझे आई थिंक तब से मुझे इतना ज्यादा एक वो हो गया ना दिग्विजय के लिए कि ब्रो यू मेड मी द विलन ऑफ दैट एपिसोड. यू मेड मी द विलन इन योर स्टोरी जबकि तुमने खुद अपनी बंदी के लिए वो चीज लिखी है. तो ये कैसा प्यार हुआ कि आप नेशनल टेलीविजन पे अपनी ही गर्लफ्रेंड के बारे में लिख रहे हो. यार पहली चीज तो गेम कनेक्शन से ऊपर या प्यार से ऊपर. यार देखो शो के अंदर तो ऑफ कोर्स गेम ही होता है जो होता है. मुझे तो नहीं पता उनका प्यार है लव है फ्रेंडशिप है व्हाटएवर. आई हैव नो आइडिया एंड बट और मुझे ना उस पर कॉमेंट करना है वो उनकी लाइफ वो जाने. बट दिस इज अ फैक्ट दिस इज अ ट्रूथ दैट जो वो लिखा था वो उन्नति के लिए वो दिग्विजय ने ही लिखा था और मुझे बहुत लेट पता चला है. मतलब अगर मैं भाई है ना मैं बॉम्बे में थी नहीं मैं बैंगलोर रहती थी मेरा किसी से कोई हैंग आउट हो नहीं रहा था कुछ नहीं था. जब मैं यहाँ पहुंचे जब मुझे पता चला कि ये सब है मैंने बोला यार इतना लेट बताया. वो एपिसोड के टाइम पे भी मुझे पता चल जाता तो मैं सबको बता सकती थी. अब वो इतना लेट हो चुका है कि पीपल आर नॉट रेडी टू बिलीव मी. बट यार मैं ऐसी बंदी हूँ मैं मुंह पे बोल देती हूँ जो होता है. मेरे को उसको डबल कोट करने की जरूरत नहीं है. आपको बिलीव करना है करो नहीं करना है मत करो बट ये लिखने वाला दिग्विजय ही है. तो आपने कॉन्फ्रंट करने की कोशिश की. हमारी कुछ बात ही नहीं हुई. मतलब इट्स लाइक और बीच में ये भी हुआ था कि मेरी दादाजी की डेथ हुई थी और आई वाज गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स एंड मेरी दादाजी के बारे में ओनली दिग्विजय न्यू अबाउट इट बिकॉज शो से पहले ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे और उस बीच में दिग्विजय मेरी बात भी हो रही थी. मतलब ऐसा नहीं कि वी वर स्ट्रेंजर्स वी वर टॉकिंग बट ही नेवर टुक द इनिशिएटिव टू इवन चेक ऑन मी इवन कॉलिंग मी एज अ फ्रेंड और वट एवर. जबकि उसने आकृति को कॉल करके बोला था कि ओ आई यू लाइक डूइंग गुड और वट एवर जब उसको हेट आ रही थी. तो मेरे दिमाग में ये आया था कि आपके लिए इतना मैंने शो में किया जो भी था जितना भी मैं कर सकती थी लड़ाई झगड़े वट एवर. मतलब मेरे लिए ये भी सोचना कि मैं अपने कनेक्शन को चूज करके आपको छोड़ दूं मेरे लिए वो भी टफ था क्योंकि मैंने आपको इतना फ्रेंड माना है शो के अंदर. और अगर आज अगर मैं आपको आपकी बंदी के बारे में बता रही हूँ तो इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट गुड फॉर यू दैट्स इट अदरवाइज मुझे कुछ वो चाहिए नहीं. तो इतना करने के बाद भी जब वो इंसान आपसे वो इतना नहीं पूछ पा रहा कि आई यू ओके तो फिर मुझे ना उसी टाइम से थोड़ा मेरा ना कट ऑफ होने लगा. और एक सिग्नल था कि मुझे कंटिन्यू. तो तब भी मैं लोगों को यही बोलती थी कि आई जस्ट वांट टू मेंटेन अ डिस्टेंस विद हिम बट मेरे दिमाग में कुछ भी उसके लिए नेगेटिव नहीं था. बट जब मुझे ये इस एपिसोड का पता चला ना तब से इट्स लाइक आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम आई डोंट वांट टू लाइक एनीथिंग. मुझे कुछ बोलना ही नहीं है मतलब क्योंकि सामने वाला मानेगा तो कभी भी नहीं ये चीज कभी भी कोई नहीं मानेगा इतनी बड़ी चीज. और मैं क्या क्या बोलूँ उससे क्या करूँ. मेरी तो इमेज खराब कर दी ना आपने उस एपिसोड में. आपने मुझे तो विलन बना दिया ना और आपने इतना खतरनाक गैस लाइट किया कि जिसने नहीं लिखा उसने वो भी एक्सेप्ट कर लिया सोच कर कि मेरे अलावा कौन लिखेगा क्योंकि सपने में नहीं सोच सकती थी मैं कि वो लिखेगा ये चीज. तो वी आर नॉट फ्रेंड्स एंड आई थिंक ना उसको मेरे से फ्रेंडशिप में इंटरेस्ट है ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है. आपकी सारी बातों से ऐसा लगता है कि जो दिग्विजय को शो में बार बार मास्टरमाइंड कहा जाता था
जैसे आपने कहा कि शिविर के साथ लड़ाई भी कंटिन्यू करने का उसने सोचा, आपने बताया कशिश के साथ सॉर्ट आउट हो गया था तो भी उसने सोचा कि वो कंटिन्यू करे, फिर ये पूरा का पूरा आप पे ब्लेम आना कि आपने नाम लिखा होगा, तो आपको लगता है कि सच में वो मास्टरमाइंड है बहुत कैलकुलेशन के साथ गेम यार? पता नहीं यार ऑनेस्टली, क्योंकि शो के अंदर कभी लगा नहीं था हमको शो के अंदर, मतलब वो लिटरली मोस्ट ऑफ द टाइम सोता रहता था। मैं उसको बोलती थी जब मैं एग्जाइल में भी थे कि दिग्विजय तू क्या कर रहा है, कुछ प्लानिंग कर, कुछ सोच दिमाग में क्या करना है, तू क्या पूरे दिन में सो रहा है। फिर हम स्प्लिट्स वाला भी आए, वो तब भी सोता रहता था, हमेशा सोता ही रहता था। तो मैं उसको बार बार बोलती थी दिग्विजय प्लान कर तू क्या कर रहा है, मैं उसको बार बार बोलती थी मुझे रोडीज वाला दिग्विजय नहीं दिख रहा है, तू वहां पे तेरा दिमाग चलता था, तेरा दिमाग नहीं चल रहा है। हम इनफैक्ट सबको यही लगा था, किसी को ये नहीं लगा था कि ही इज द मेन कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो जो शो का नैरेटिव सेट हुआ है ना, वो ऐसा सेट हुआ है कि अगर उसके अगेंस्ट कोई वीडी में बोल रहा है, वो वीडी लग नहीं रही है, अगर वो किसी चीज में उसने कुछ गलत किया है, वो दिखाया नहीं जा रहा। क्योंकि जब आप पूरा शो रिकॉर्ड कर लेते हो ना, आपको पता है एंड में ये 10 लाख वाली चीज हुई है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू लुक लाइक अ हीरो इन दिस, तो पूरी स्टोरी लाइन पर उस हिसाब से बिल्डअप होती है, तो वो वैसा ही हुआ है। तो मास्टरमाइंड तो मुझे नहीं पता, पर एक स्टोरी नैरेटिव सेट किया गया है। मुझे लगता है कि अगर शो उसके फेवर में नहीं होता नैरेटिव, तो शायद उसका मास्टरमाइंड या ये सब होना कुछ काम नहीं करता। लेकिन अब वो स्टोरी लाइन ही वैसी चल रही है, एंड देन उसके बाद ऐसा दिमाग लगाना कि ऐसा पीआर करो, ऐसा आप अपना शो के बाहर भी वो चीज कैरी फॉरवर्ड करो कि वो शो के साथ सिंक में जाए, दैट वॉज अ ब्रिलियंट मूव दैट आई वुड से कि उसने वहां बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। कि अगर वो शायद शिविर से सॉर्ट आउट कर लेता, वो माइलेज नहीं मिलता, कशिश के साथ वो नॉर्मली हैंग आउट कर रहा होता तो कशिश को हेट नहीं मिल रही होती, वो हीरो नहीं दिखता, बहुत सारी चीजें। तो आई थिंक उसने जो शो के नैरेटिव के साथ बाहर स्टोरी लाइन कैरी फॉरवर्ड करी है, दैट वर्कड आउट एंड दैट वाज अ स्मार्ट मूव। ओके, मुझे एक्चुअली फिनाले एपिसोड देख के भी लगा था, मैं ये डिस्कस भी कर रही थी कि जिस तरीके से सनी लियोनी गई, गले मिली, तो वो एक बहुत ही ज्यादा वन साइडेड सा मुझे लगा, जबकि उन दोनों के बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था जिसके लिए वो पैसा सैक्रिफाइस करती कशिश। ऑफ कोर्स, मतलब यार पता नहीं उनका ऐसा क्यों रिएक्शन था। हालांकि मेरा तो शुरू से पॉइंट यही रहा है कि मैम सनी मैम हमेशा बायस रही हैं लड़कियों को लेके पूरे शो में, चाहे वो आकृति हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो रुशाली हो, ये सारे मैंने बहुत एविडेंसेस देखे हैं उनके। कोर्ट रूम में मेरे अगेंस्ट थी वो, मुझे चुप हाँ। करा रही थी, आकृति को उन्होंने कितनी बार चुप कराया है, उसके अगेंस्ट चीजें बोली हैं। रुशाली हर्ष के केस में जहाँ हर्ष को कुछ सुनाया जा रहा था तो वो रुशाली को बोलते थे कि नहीं हर्ष सही है उसमें, तो वो हमेशा लड़कियों के अगेंस्ट रही है थ्रू आउट शो, मैंने देखा है। अभी लोग बोलेंगे मैं होस्ट को भी बोल रही हूँ, बट आई से व्हाट आई फील, तो वो था। और फिर जब ये दिग्विजय और ये वाला सीन हुआ ना, तो मुझे समझ नहीं आया, बिकॉज कशिश और दिग्विजय तो फ्रेंड्स भी नहीं थे, अब लवर तो लास्ट तक बोलते रहे थे। हाँ, और इनफैक्ट दिग्विजय तो उड़ाने वाला था कशिश को। हाँ। हमारे क्यू कार्ड पे कशिश का नाम लिखा था दिग्विजय ने, मैंने कशिश का नाम हटवाया है, मैंने बोला नहीं शी इज माई फ्रेंड, तू उसका नाम नहीं लिखेगा। तो वो तो उसको उड़ाने पे लगा हुआ था ना, कोई कनेक्शन ना कुछ, तो वो बंदी अपना सोचेगी ना, वो क्यों सोचेगी तुम्हारा। आज अगर मतलब अरबाज, आप सोचो अरबाज तो कनेक्शन था मेरा, अरबाज ने बोला मैं होता तो मैं भी लिख लेता, बट अगर ये होता तब मैम नहीं रोती मेरे लिए, आई एम प्रीटी श्योर। वो पता नहीं कुछ थोड़ा ज्यादा ही मुझे लगता है लड़कों को लेके है बायस। ओके, चलिए आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बिग बॉस 18 में बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग है जाने की? यार देखो, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बट मैं कोई लव एंगल, किसी की एक्स, किसी का वो सब बन के नहीं जाना चाहती हूँ। आई एम डन विद दैट। आई रियली वांट टू प्ले माय गेम, रियली वांट टू गो एज इंडिविजुअल पर्सन, किसी का बैगेज, किसी के एक्स बन के नहीं जाना है। सो ऑफ कोर्स बातें तो चल रही है, बट पता नहीं best. अभी तक तो ऐसा कोई बुलावा आया नहीं है। मौका मिलेगा, ऑडिशन देने का मौका मिलेगा, कुछ तो देखेंगे फॉर श्योर। शिविर दिग्विजय कशिश का भी नाम है? नाम तो सबके आ रहे हैं, नाम तो किसका नहीं आ रहा है। 5 अक्टूबर को वही डेट आ रही है सामने, तभी पता चलेगा स्टेज पे कौन है सलमान के साथ। लेट्स सी आई होप कि भले यार, मतलब इट्स लाइक भले मैं ना जाऊं या कोई और जाए, आई थिंक स्प्लिट्स वाला से कोई तो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टॉर्चर झेला है सबने, आई थिंक एक एक इंसान ने, और इतना बाहर जज्ड हुए शो के बाहर, इतना ट्रॉमेटिक सबके लिए रहा है, तो इतना झेलने के बाद अगर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इट्स गुड। आई थिंक जिसको भी मिलता है जाना तो चाहिए, एंड आई होप कि बिग बॉस जाके अगर कोई जा रहा है तो लोगों के असली चेहरे भी सामने आए, जो उस सिलसिला में सामने नहीं आ पाए। फैंस को कुछ कहना चाहेंगी आखिर में?
यार यही बोलूंगी कि मेरे बहुत ज्यादा फैंस हैं नहीं, जितने भी हैं मैं उनको यही बोलूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टिकिंग बाय मी, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए आप लोग मेरे लिए हमेशा रहते हो, थैंक यू फॉर दैट। एंड मैं साथ ही अपने हेटर्स को भी कुछ बोलना चाहूंगी कि कीप हेटिंग मी, यू आर द पीपल हु मेक अस फेमस टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो आपकी तारीफ करते हैं वो आपको डीएम में बोल के चले जाते हैं, बट ये हेटर्स होते हैं जो आपको पॉपुलर करते हैं आपके रील्स बना बना के, आपके पॉडकास्ट इंटरव्यूज बना बना के, कॉमेंट्स कर करके। तो आई थिंक आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है हमें बड़ा करने में और शो को हिट करने में और हमें हेट करने में और हमें हेट करके पॉपुलर बनाने में। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट ऑल्सो। एंड आई थिंक आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग दैट जो शो में दिखता है वही असलियत नहीं होती है, बहुत कुछ शो के बाहर भी होता है और बहुत कुछ कैसे बोलूं, बहुत कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ पाओगे। तो आई थिंक थोड़ी आंखें खोल के देखो और अब शो खत्म हो चुका है तो अब मूव ऑन कर लीजिए, हेटरेट थोड़ा कम कर लो एक दूसरे के लिए। हम कंटेस्टेंट का लड़ना बनता है क्योंकि हमारा रहा है एक दूसरे के साथ। आप लोग किसी को हेट करो, उसको गालियां बको, डजंट मेक सेंस बिकॉज वी आर स्ट्रेंजर्स टू यू। सो या आखिर में एक चीज मैं आपसे पूछना भूल गई, मैंने आकृति से बात की, आकृति सचिन के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवा रही है क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में बोला कि तुम जहां भी होगी, क्योंकि अभी ट्रोलिंग की बात हुई ना, हाँ। तो चलिए कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं, आईडी के पीछे उनका कोई चेहरा नहीं, फेक आईडी, लेकिन ये को कंटेस्टेंट ही क्योंकि उसने बोला कि उसने एक इंटरव्यू में बोला कि मुझे मालूम है तुम कहाँ रहते हो, इतनी पावर है मैं उठवा सकता हूँ। तो आकृति पुलिस कंप्लेन कर रही है सचिन के खिलाफ। बाप रे, ये कब हुआ है? मेरा 4-5 दिन पहले मेरी उनसे बात हुई, तो सचिन ने धमकी दी उसको, हाँ एक इंटरव्यू में। तो उसका ये कहना था कि मैं तो नहीं, पर मेरे मम्मी पापा को बहुत चिंता है तो वो तो करेंगे ही, मतलब इसका ऑप्शन ही नहीं है कि मैं नहीं करूँ, करना ही है पुलिस कंप्लेंट। तो सोचिए कि आपस की राइवलरी या इतना ज्यादा बढ़ चुकी है। आई एम लिटरली अनअवेयर अबाउट दिस, बट आई थिंक ये दोनों को एक्चुअली बात कर लेनी चाहिए एक दूसरे से, बिकॉज पता है क्या हो रहा है, मैंने ये चीज श्वेत और मेरे केस में देखी थी कि श्वेत और मेरा मैटर इतना बड़ा था नहीं जितना बन गया, बिकॉज हमने एक दूसरे से कभी बात नहीं करी, हमने हमेशा कैमरे के सामने बात करी और एक कॉन्सेप्ट में फंस के बात करी। तो शायद आकृति और सचिन के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं या जो भी अगली लेवल पे जा रहा है, आई थिंक ये दोनों जब बिना कैमरे के एक दूसरे से बात करेंगे चीजें दोनों के लिए बेटर होंगी, बिकॉज What I understand is कि सेम इंडस्ट्री में टकराने तो वाले ही हैं। yes. तो आप अगर एक दूसरे के लिए इतना अगली एक दूसरे के लिए रखोगे ना, तो आप दोनों के लिए डिफिकल्ट होगा, आपके आसपास वालों के लिए भी डिफिकल्ट होगा। आई थिंक दे शुड गिव इट अ ट्राई, अगर फिर भी नहीं होता देन वट एवर इज सूटेबल फॉर देम दे शुड टेक एन एक्शन, जो भी उनको लगता है। बट आई थिंक एक बार ऑफ कैमरा ना दोनों को अकेले बैठ के बात करनी चाहिए। yeah, true. Yeah. Let's see. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. It was lovely. Same here.